इतनी सुंदर जगह कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। वेलकम टू नागालैंड। नागालैंड के ज़ुको वैली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। काफी मदद मिल रहा है इन लोगों से। और ये हमारा नागालैंड का फर्स्ट हिल हाइकिंग इन ज़ुको वैली। हम लोग आज टोटल 14 से 15 किलोमीटर चलने वाले हैं। हाउ वाज योर ट्रैकिंग? आप लोग तो एकदम प्रो जैसे उतर रहे हैं। जितने लोग मिल रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ज़ुको ज़ुको तो गाइज अपने रेस्टोरेंट को अलविदा करते हुए हम लोग निकल रहे हैं ज़ुको वैली की तरफ, वे टू ज़ुको। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग की शुरुआत होगी। फिलहाल ये था हमारा ज़ुको रेस्टोरेंट और यहाँ पे हमने खाना खाया। और फिलहाल अब अपने इस सफ़र की शुरुआत करता हूँ। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। नागालैंड की सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और जगह है विस्वेमा, और वो रही विस्वेमा विलेज वहाँ पर। तो फिलहाल हमारी ट्रैकिंग की शुरुआत हो चुकी है, जो कि नागालैंड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन डेस्टिनेशन ज़ुको वैली की ट्रैकिंग की शुरुआत हमने कर दी है। तो फिलहाल 10 किलोमीटर तक हमें चलने पड़ेंगे ज़ुको ट्रैकिंग स्पॉट तक पहुंचने के लिए। फिर वहां से हमारी ज़ुको वैली की जो दूसरी ट्रैकिंग स्पॉट है उसकी सफ़र की शुरुआत होगी, जो कि और 10 किलोमीटर है। यानी टोटल आज हमें 5 से 6 घंटे या 8 घंटे भी लग सकते हैं 20 किलोमीटर का सफर तय करने में। हेलो, आप लोग रोज चलते हैं ऐसे? हाँ। कितना किलोमीटर चलते हैं पूरा ऊपर तक? ऊपरे जाबे। बांग्ला जानो? हाँ। बांग्ला बंगाली लैंग्वेज नागामीस। गाइज कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बंगाली लैंग्वेज है कि नागामीस, क्योंकि दोनों सेम है। तो अभी आप एकदम ऊपर तक जाएंगे। अच्छा, क्या वहाँ पे? 1 किलोमीटर। अच्छा, और ज़ुको का ट्रैकिंग जो है वो बहुत ऊपर है ना? हाँ, बहुत टाइम ना। हाँ। सो गाइज 5 किलोमीटर। अच्छा, रोज जाते हैं आप लोग यहाँ? रोज, एवरी डे। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि रोज लोग ऐसे टोकरी लेके, यहाँ की जो औरतें हैं, ऊपर जाती हैं, क्योंकि 4-5 किलोमीटर ऊपर खेती भी होती है। तो इसीलिए आलू बगान। अच्छा, आलू का खेती होता है। अच्छा, आलू की खेती होती है। तो फिलहाल ट्रैकिंग तो अभी स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन थकावट अभी से हो रही है, क्योंकि बैग जो लिया हूँ थोड़ा भारी है, क्योंकि उसमें कैंपिंग टेंट भी है, स्लीपिंग बैग भी है, और बहुत सारे सामान है, नेसेसरी सामान है, कोई बेफजूल की सामानें नहीं है। क्योंकि आप अगर ट्रैकिंग कर रहे हो तो बेकार की सामानें मत लेना, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। वी आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता फॉर ज़ुको वैली एंड एक्सप्लोरिंग नागालैंड, एक्सप्लोरिंग योर कल्चर। हाँ, तो यहाँ पे कोई आ रहा है, देखें लिफ्ट मिलता है कि नहीं। ज़ुको मिल सकता है क्या ज़ुको के लिए? नहीं होगा। ओ अच्छा, आप लोग वो फार्मिंग के लिए जा रहे हैं क्या? फार्मिंग के लिए वो शायद ये लोग जा रहे हैं ना, वो पोटैटो जो फार्मिंग का फील्ड है वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे को लगा ऊपर जाएंगे तो भाई अपना लक साथ दे देता। सूमो भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हमने सूमो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके जो चार्जेस थी ना 1500 रुपये, और 1500 2 पर्सन का बहुत ज़्यादा। अगर आप 10-12 लोग हो तो 1500 जायज़ है, लेकिन हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो इसीलिए हमने अपने लाइफ का सबसे डिफिकल्ट, सबसे हार्ड डिसीजन लिया कि 10 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई करेंगे, और उसके बाद फिर 10 किलोमीटर ज़ुको ट्रैकिंग कैंप यानी बेस कैंप के लिए चढ़ाई करेंगे। यहाँ पर ज़ुको कैंप साइट विस्वेमा यहाँ पे लगा हुआ है, और हमें चढ़ाई किस साइड से करना है? इस साइड, इस साइड। और यहाँ पे देखो बहुत लोगों ने कैंप लगाया अपना। यहाँ पे ऐसे घर बने हुए हैं, शायद इसके कुछ चार्जेस हैं। कितना चार्जेस इसका? हाउ मच फॉर वन? 300 फॉर वन डे कैंपिंग एंड फॉर टेंट? फॉर टेंट इज देयर एनी चार्जेस? नो चार्जेस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइज यहाँ पे जो छोटे छोटे घर है ना पहाड़ के ऊपर, रेस्टिंग पॉइंट है, 300 लगेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो कैंप है, अगर आपके पास है तो कोई चार्जेस नहीं, अदरवाइज 300 रुपीज लगेंगे इनके कैंप लेने के लिए। तो फिलहाल आगे चलते हैं और काफ़ी मदद मिल रहा है इन लोगों से, यहाँ के बारे में बता रहे हैं। आप झुको झुको। ओह भाई लिफ्ट तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। भाई अभी मैंने बोला इनसे कि मुझे भी एक ऐसा बम्बू स्टिक चाहिए, तो इन्होंने देखो अभी मेरे को काट के दे रही हैं। तो ये आंटी अभी इसको काट के दे रही है। थैंक यू, मजा हो, मोजा हो। यहाँ पे धन्यवाद को मोजा हो बोलते हैं। एम आई राइट, मोजा हो मीन्स थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे 16 ट्राइब्स हैं, टोटल 16 ट्राइब्स आर देयर इन नागालैंड ना। हाँ, सो सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है सब, यानी आप यहाँ से 10-20 किलोमीटर आगे जाओगे अलग लैंग्वेज। आगामी, चखेसंग, सब अलग अलग ट्राइब है यहाँ के नागालैंड के। तो 16 ट्राइब्स के अंदर और भी ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ के ऑफिशियल्स ने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज क्रिएट किया जिसका नाम है नागामीज लैंग्वेज। नागामीज लैंग्वेज इज ऑफिशियल इन नागालैंड ना। हाँ, इससे क्या होगा कि सभी ट्राइब्स लोग आपस में एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को नागामीज लैंग्वेज आती है, जैसे यहाँ पे विस्वेमा लैंग्वेज है, धन्यवाद बोलते हैं मेजा हो। एंड इन नागामीज हाउ टू से थैंक यू, थैंक्स दे इन नागामीज। तो बढ़िया हुआ कि इन लोगों का साथ मिल गया, काफ़ी कुछ जानने को तो मिल ही रहा है और अच्छा भी लग रहा है ट्रैक करने में। अमरदेव, अमरदेव कहाँ रह गया? पीछे छूट गया क्या? नेटवर्क भी नहीं है, कैसे कॉल करूँ? हाँ जल्दी आ, अबे बहुत आगे निकल जा रहा हूँ यार। अचानक से मैं डर गया कि वो कहाँ पर है। अबे बताएगा ना, बताएगा कि वेट कर, मैं आगे निकल जा रहा हूँ इन लोगों के साथ, तू पीछे रह जा रहा है। क्या उड़ रहे हो? मत कर भाई, कोई जानवर संभलेगा कैसे? करेगा फिर से कर। चल दोनों साथ में करते हैं, रेडी 1 2 3। भाई आवाज गूंज रही है यहाँ पर। वो भाई क्या मजे आ रहे हैं। वो देखो वहां पे वेट कर रहे हैं वो लोग। वो लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लोग क्या कर रहा है, ऐसे आवाजें निकाल रहा है, शायद जानवर ना समझ ले हम लोग को। मेजा हो, मेजा हो। तो भाई अपने 2 महिला साथियों को अलविदा कहने के बाद हम लोग, अब हम 2 सिर्फ आगे की तरफ निकल चुके हैं। कोई गाड़ी आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, शायद लिफ्ट मिल जाए। ज़ुको की तरफ मिल जा, मिल जा। सुमो है, सुमो है, सुमो है। ज़ुको, ज़ुको जाएंगे, ज़ुको, ज़ुको जाएंगे। हाँ तो भाई फिर से लिफ्ट नहीं मिली। भाई साहब से बहुत लिफ्ट मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया, शायद कुछ कारण होंगे, अब उनका अपना एक रीज़न होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बैठा हूँ और पहाड़ का व्यू देख रहा हूँ ज़ुको वैली का। तो वहाँ पे देखो एक क्रॉस का साइन होगा, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, तो वहाँ तक जाना है। उसके बाद फिर वहाँ से फ्लैट हम लोग को फिर और आगे की तरफ जाना है। तकरीबन हमने 3 किलोमीटर की सफ़र कर ली है और अभी 17 किलोमीटर बची हुई है। लेकिन कतई स्वाद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे पहले रिग्रेट फील हो रहा था कि गाड़ी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी एकदम रिग्रेट फील नहीं हो रहा है। एकदम मज़े से चढ़ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ के नागाज से यानी आगामी ट्राइब से मिल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। ये चौथा कार है जो आ रहा है। लिफ्ट, लिफ्ट मिलेगा, ज़ुको जाएगा, ज़ुको, 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 ज़ुको। ओ ज़ुको नहीं जाएगा, ठीक है ठीक है, मैं जाओ। तो फाइनली गाइस हमें ज़ुको वैली की लिफ्ट मिल गई है और ये हमारा नागालैंड का फर्स्ट हिल हाइकिंग इन ज़ुको वैली। तो काफ़ी मशक्कत करना पड़ा, 4 लोगों ने हमें मना किया, ये 5वां सुमो था और ये एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ भी हमें लिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन इन भाई साहब ने हमें लिफ्ट दे दिया तो काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ से हमें और 6 से 7 किलोमीटर चढ़ना होगा और यहाँ से ज़ुको वैली का व्यू कुछ ऐसा है। थैंक्स फॉर योर लिफ्ट, थैंक्स फॉर योर हेल्प। वी केम फ्रॉम कोलकाता या। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी, जब से नागालैंड आया हूँ ना काफ़ी लोग हेल्प कर रहे हैं, तो इसी भरोसे नागालैंड घूम रहा हूँ कम पैसे में। रास्ता है और ऐसे में लोगों को गाड़ी चलाना पड़ता है, तो कम पैसों में नागालैंड घूमने का मेरा ये जो सफ़र है नागालैंड सीरीज में, वो अभी तक बहुत सफल रहा है, क्योंकि बहुत ही कम बजट में मैं नागालैंड की बहुत सारी जगहों पे जा रहा हूँ। तो अभी आगे भी बहुत सारी जगहों पे हमें जाना है, तो फिलहाल अभी ज़ुको वैली की तरफ जाता हूँ और ज़ुको वैली का व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। यहाँ पर देखो आगे हम लोग जा रहे हैं, रास्ते बहुत ख़राब है, गाड़ी बहुत हिल रही है, क्या ही बताऊँ गाइस। फाइनली हम लोग 10 किलोमीटर की जर्नी तय कर चुके हैं। हम लोग 4 किलोमीटर तक चले ही थे तो ये भाई साहब हमें मिल गए जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया, और ये रही हमारी सूमो जिसमें हम लोग आए। और ये है लास्ट पॉइंट जहाँ तक आपको सूमो या कोई भी व्हीकल्स आप लेते हो तो आपको यहाँ पे छोड़ देगी, और उसके बाद आपको यहाँ से क्लाइम करके जाना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करता हूँ, और इनका कांटेक्ट नंबर मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप अगर आते हो तो कांटेक्ट कर लेना, इनका भी हेल्प हो जाएगा। तो चलते हैं, सफर की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच मेजा हो, थैंक यू, वेलकम। तो अपने सफर की लाठी को लेकर हम निकल पड़े हैं ज़ुको वैली की तरफ, और तकरीबन 3 घंटे हमें लगेंगे। 10 किलोमीटर सफ़र अब हमें चल के ही जाना पड़ेगा, यानी हम लोग आज टोटल 14 से 15 किलोमीटर चलने वाले हैं, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर गाड़ी में ही सफ़र करना पड़ गया। अब यहाँ से खुद ही चलना पड़ेगा हमें, अपने इस लाठी के सहारे और अपने पैरों के सहारे। बढ़िया, कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत मजा आ रहा है दोस्त। वो वेलकम टू नागालैंड। नागालैंड के ज़ुको वैली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फाइनली गाड़ी जहाँ छोड़ा था वहाँ से आने के बाद हम लोग को वे टू ज़ुको वाला रास्ता दिख गया है, और यहाँ से हम लोग का रास्ता होगा। और ये रेस्टिंग पॉइंट है, काइंड ऑफ आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल अभी चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर काफ़ी थक गया हूँ। व्हीकल्स मिल गया था थैंक्स टू नागा अंकल जिन्होंने हमें लिफ्ट दे दिया, अदरवाइज ना बहुत ही गंदी तरीके से लगने वाली थी अपनी। हैरान हो जाता, थक जाता, ट्रैक तो ख़त्म नहीं करता लेकिन बहुत बहुत शरीर टूट जाती है, अपने शरीर टूट जाता। तो ऐसे चढ़ाई करनी पड़ रही है सीढ़ी से हो। तो गाइज अभी एक मेन पॉइंट पे आ गए हैं, रेस्टिंग पॉइंट पे, और हमें देखो कहाँ पे चढ़ना है, वहाँ तक चढ़ना है, उसके ऊपर तक चढ़ाई करनी है। और आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला हूँ जो किसी जन्नत से कम नहीं है। तो यहाँ पर देखो, वो आवाज़ गूंज रही है भाई। ये है ज़ुको वैली के अंडर में सारे जो पहाड़े हैं उसका व्यू, किसी जन्नत से कम नहीं लग रही है। बादलों का हल्का हल्का यहाँ पे जो लेयर है इन पहाड़ों को और ज़्यादा खूबसूरत बना दे रहा है। जय माता दी भाई, बहुत स्टिप चढ़ाई है यार। हेलो, कैसा रहा आप लोग का ट्रैक? अच्छा, अभी कितना टाइम लगेगा लगभग हम लोग को पहुंचने में? 2 आवर्स। बेस कैंप तक पहुंच। ओके, इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा? सो दिस इज आफ्टर सम टाइम, प्रॉब्ली आफ्टर हाफ एन आवर we get a flat trail. Okay, that is a little long but easier. One of us let me take. Bye bye, take care, thank you. सो इन लोगों की जर्नी, ट्रैकिंग जर्नी ख़त्म हो चुकी है ज़ुको वैली की। तो काफ़ी लोग मिल रहे हैं, तो यहाँ पे और लोग मिल रहे हैं। हाय, कैसा रहा ट्रैकिंग? हाउ वाज योर ट्रैकिंग? कितने टाइम लगे उतरने में अभी तक? हेलो हेलो, 12:49। ओके ओके, थैंक यू, सेफ जर्नी। हाँ, टेक केयर। तो भाई 3 ग्रुप मिल चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इनसे पूछकर सबका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है। हेलो लोकल, ऊपर तो क्या करने रोज जाते हो क्या आप लोग? वहाँ पर हम लोग पानी का डैम बना रहे हैं। अच्छा, देखिए भाई लोग ऐसे उतर रहे हैं जैसे इन लोग का यहाँ पे आना जाना है। डर नहीं लग रहा आप लोग को? आप लोग तो एकदम प्रो जैसे उतर रहे हैं। देखो भाई कैसे उतर रहे हैं। अच्छा, 2 बार और आना है पूरा नीचे से? अरे बहुत बहुत ज्यादा स्टैमिना है आप लोग के अंदर। ये देखो संजीव चढ़ते हुए, कितना स्टीफ और सीधी चढ़ाई है, हालत खराब हो रही है भाई, भाई डर लग रहा है। तो तकरीबन हमने 15 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है, और 15 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद ज़ुको वैली का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। वेलकम टू ज़ुको वैली ऑफ नागालैंड। पहाड़ों के बीच में बादलों की हल्की हल्की जो चादर सी दिख रही है ना, वाइट वाइट, क्या ही बताऊं। और बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू। और जितनी सुंदर ये वैली लगती है आपको ज़ुको वैली, उतनी ही डेंजरस है। मैं बताता हूँ रीज़न। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बैरिकेटिंग नहीं है कि आप बाय चांस चक्कर आ गया या कुछ भी हो गया तो आप, हो सकता है ऐसा किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस हो गया तो आप सीधे, अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाला सिस्टम है। यहाँ पे कोई ये सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे बस इसी रास्ते से, देखो बहुत ही पतला रास्ता है, यहाँ से हमें चढ़ना पड़ा और बस इसी रास्ते से हमें आगे निकलना है। तो ज़ुको आते हो तो काफ़ी सावधानी से आना और मोबाइल कम ही यूज़ करो। यानी अगर आप ब्लॉगर हो तो ठीक है, कहीं ऐसी जगह पे ब्लॉगिंग करो जहाँ पर आपको लगे कि आप सेफ हो, लेकिन ऐसे आप चलते चलते ब्लॉग करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत डेंजर है। तो फाइनली गाइज 4 घंटे बाद हमें एक बेस कैम्प दिखा है। बेस कैम्प नहीं, बस ये रेस्टिंग पॉइंट है। आप थके हारे हो, आराम से आके आप रेस्ट कर सकते हो। ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग, ओह सो नॉट ट्रैकिंग, ओह यहाँ के लोकल ही है। ओ भाई साहब, सच में ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है क्या? पता नहीं भाई, शायद करती होगी। इतनी सुंदर जगह कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, समझ नहीं आ रहा, बिलीव नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, पहाड़ी पहाड़ और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। सो फाइनली गाइज हमारी ज़ुको की प्लेन वाली ट्रैकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब तक हम लोग स्टीप चढ़ाई करके ट्रैकिंग की जर्नी कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से हम लोग की जो जर्नी है, जो अभी आपने देखा बेस कैम्प जहाँ लोग रेस्ट कर रहे थे, वहाँ से आपको फ्लैट आगे जाना होगा। यहाँ पे देखो, और आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे जो जंगल हैं, यहाँ पे जो पेड़ सब यानी बिना पत्ते के हैं ना, यहाँ दो तीन साल पहले 2017 में, जैसा कि वो टैक्सी ड्राइवर ने बताया, काफ़ी भयानक वाइल्ड फायर हो गई थी यहाँ पर, जिसके चलते काफ़ी नुकसान हुआ था ज़ुको वैली को। फिलहाल अभी धीरे धीरे फिर से पेड़ आ रहे हैं, लेकिन जो पेड़ जल चुके हैं उस पर तो कोई पत्ते उत्ते आएंगे नहीं। अब नया पेड़ अगर कोई आता है तो ठीक है। क्या बात कर रहा है, दो रास्ता है क्या? नहीं, एक डाउन इधर शायद ऊपर को जाती है, बोला था ना पहले डाउन जाना। अरे यार, मेरे हिसाब से शायद नीचे नहीं जाना है, क्योंकि फ्लैट ही जाना था ना। वैसे भी मैंने मैप में ये लोकेशन और यहाँ का मैप डाउनलोड कर लिया था, तो आप अगर आ रहे हो यहाँ नागालैंड ज़ुको वैली देखने के लिए तो मैप में डाउनलोड करना और उसमें ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना। आराम से उतर भाई, आराम से। अरे यार रुक जा रुक जा रुक जा, क्या बात कर रहा है? वही था, नीचे जाना था, नीचे से ऊपर जाना था। तो यहाँ पे वो कौन सा रास्ता है उस साइड में? आजा आजा, आराम से। यहाँ पे एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो गलती से आगे आगे, ज्यादा दूर नहीं था। जंगल जंगल फूल के लिए है, पता चला है। सो गाइज यहाँ पे जो फ्लावर देख रहे हो, ये फ्लोरा है, फूल निकला है। ओ यहाँ पे बारिश के टाइम होता है, फिलहाल अभी तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश के चलते यहाँ पे आपको पहाड़ में कुछ फ्लोरा यानी फ्लावर्स दिख जाएंगे। फ्लोरा और क्या नाम था, तो यहाँ पे ये फ्लावर बहुत ही फेमस है, लोग इसे भी देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो कि स्पेशली रेनी सीजन में आती है। हेलो, 30-40 minutes. You done your trekking? Yeah. Yes. How was your trekking? Nice. Manipur. Bye, buddies. Take care. Bye. Guys, मणिपुर के लोग मिल गए हैं, वो लोग ट्रैकिंग करके जा रहे हैं, काफी खुश लग रहे हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इन लोग को देखकर। जितने लोग मिल रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और मजे आ रहे हैं बहुत। हाँ, कोलकाता कोलकाता हम लोग इधर गए हैं, इधर गए हैं। कैसा रहा ट्रैकिंग? बढ़िया बढ़िया, अच्छा चलो। और हाँ हो गया, ओके ओके, टेक केयर। चलो हमें हमारी डेस्टिनेशन शायद ज़ुको वैली की जो बेस कैंप है दिख गई है। वहाँ पे देखो दो यहाँ पे घर दिख रहे हैं ना, और यहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 7 से 8 घंटे लग गए। हमने अपने सफ़र की शुरुआत लगभग 8 से 9 बजे के बीच में हमने शुरू की थी और अब जाके लगभग ख़त्म होने वाली है। लेकिन आप जो बेस कैंप देख रहे हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए ही हमें पूरे पहाड़ से जाना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन हमें लग जाएंगे 40 से 45 मिनट। सो गाइस, ज़ुको वैली के बेस कैंप पहुँचने से पहले मैंने सोचा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ज़ुको वैली की ट्रैकिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप विस्वेमा वाले रास्ते से आना, ये है विस्वेमा वाला रास्ता। और जैसे ही आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाएगी ज़ुको वैली की, तो आप जब नीचे जाओगे तो आपको लेना है वे टू जखामा, जखामा वाला रास्ता। ऐसा क्यों? क्योंकि जखामा वाला रास्ते से अगर आप गलती से आ गए ना तो आपके लेने के देने पड़ने वाले, क्योंकि जखामा वाला जो रास्ता है, आप जब ट्रैकिंग करोगे स्टीप चढ़ाई एकदम खड़ी पहाड़ी होती है, जिसको खड़ी पहाड़ी बोलते हैं। यानी आपको कहीं कहीं पर 90 डिग्री भी चढ़ना होगा। और आपके पास हमारे जैसे बैग होंगे ना, देखो जैसे मेरे दोस्त ने लिया, तो बहुत मुश्किल होने वाला है, सच बता रहा हूँ। तो गलती से भी जखामा वाले रास्ते से मत आना जूको वैली। सो फाइनली 7 से 8 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद वेलकम टू ज़ुको वैली। सो यहाँ से हमारा ज़ुको वैली में स्वागत किया जा रहा है और काफ़ी थक गया हूँ। और यहाँ पर देखो, ये रहा ज़ुको वैली का बेस कैंप और यहाँ पे ही सारे लोग आते हैं, कैंपिंग करते हैं। और यहाँ पे देखो भाई, काफ़ी क्यूट डॉग्स है। हेलो, काफ़ी क्यूट लग रहा है। यहाँ पे देखो कितना क्यूट है ज़ुको वैली का व्यू। वहाँ पे देखो भाई साहब, क्या व्यू दिख रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग भी अपनी कैंप ऐसे लगाएंगे, फिर उसके बाद खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे। और काफ़ी चीज़ लेके आए हूँ साथ में, जो कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। भाई बहुत ही मस्त व्यू यहाँ से दिख रही है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ख़त्म। अब मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अभी कैंप वम्प लगाना है, खाना भी खाना है, काफ़ी भूख लग रहा है। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि नागालैंड सीरीज़ की सारी वीडियोस आप सभी को पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। और अपडेट्स के लिए मेरी क्या ट्रिप्स होती है, कब आने वाली होती है, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ, जर्नी के पहले, जर्नी के बाद। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।